जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का क्यों छलका चीन और पाकिस्तान के लिए प्रेम, और क्या बिहार में टूट की कगार पर है महागठबंधन। देश किस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप नाइन राष्ट्र में आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने दिया देशद्रोही बयान। एक न्यूज पोर्टल इंटरव्यू में कहा, चीन से शासित होना पसंद करेंगे कश्मीरी। बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हमला बोला। उन्होंने कहा, चीन प्यारा है तो चीन चले जाएं फारूक। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर मेंटल स्ट्रेंथ पर जोर देते हुए मोदी नामचीन लोगों से मिले। कहा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैप्टन कोहली ने कहा, फिटनेस सेशन मिस हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। बिहार चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। सूत्रों की माने तो आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान करना बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ गया है। जेडीयू एमपी सुनील पिंटू ने एलजेपी नेता चिराग पासवान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को चैलेंज करना सूरज को आईना दिखाने के जैसा है। एनडीए छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठबंधन अटूट है। बिहार में सियासी पारा बढ़ चुका है। कांग्रेस ने किसान बिल को मुद्दा बनाकर एक नया पोस्टर जारी किया है। पटना में लगाए गए इस पोस्टर में बीजेपी और जेडीयू को किसान विरोधी और राहुल गांधी को किसानों का मसीहा बताया गया है। कृषि विधेयक के विरोध में किसानों ने अमृतसर में रेल सेवा ठप कर दी। फिरोजपुर रेल मंडल ने एहतियातन सभी 14 स्पेशल ट्रेनों को 26 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए रद्द कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी के बयान दर्ज किए। वहीं अभिनेत्री रकुलप्रीत और दीपिका पादुकोण भी 25 सितंबर को पेश होंगी। सीबीएसई के 12वीं के कंपार्टमेंट टेस्ट के परिणाम 10 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। यूजीसी के मुताबिक 31 अक्टूबर तक कॉलेज में प्रवेश लिया जाएगा। सीआईसीएसई ने भी 10वीं-12वीं कक्षा के लिए 6 से 9 अक्टूबर तक कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पुलवामा में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंपोर के बागंदर इलाके में छापेमारी की। एनआईए ने एलओसी पर संदिग्ध गतिविधियों में 3 साल पहले गिरफ्तार किए गए ताजमल मसूदी के घर छापा मारा और कई दस्तावेज बरामद किए।